हेलो स्टूडेंट्स, मैं संचिता शुक्ला, आपके साइंस की टीचर। आज क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का सेकंड वीडियो में मैं आपको डाइजेशन इन ह्यूमन समझाने वाली हूँ। लास्ट डे मैंने आपको फिगर समझा दिया था और बताया, ये फिगर मैंने बनवा भी दिया था। आज आप इसको दोबारा नहीं बनाएंगे, आपने एक बार नीट एंड क्लीन बना लिया है तो आप उस फिगर पे कंसंट्रेट करेंगे। ये बोर्ड पे मैंने दोबारा आपको समझाने के लिए, क्योंकि इस फिगर की बार बार हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने साइड में इसको बना दिया है समझाने के लिए, ठीक है। और न्यूट्रिशन इन एनिमल में डाइजेशन इन ह्यूमन, इतना अच्छा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ह्यूमन मतलब हम लोग, हमारे अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है, किन किन स्टेप में होता है, जो भोजन आप अंदर लेते हो उस भोजन का क्या होता है, कैसे वो किन स्टेप्स में जाता है, कहाँ कहाँ जाता है और कैसे कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है, इस सारी चीजों को हम देखने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमन में। सबसे पहली बात, डाइजेशन क्या है, डाइजेशन होता क्या है। साइंस में क्वेश्चन अराइज करना कंपल्सरी है, दिमाग में क्वेश्चन आना और हमें समझाना, शब्दों को समझाना, डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन का मतलब एक वर्ड में आप समझिए, ब्रेक डाउन, टूटना। आप रोटी खाते हैं, कोई भी फूड आइटम, बिस्किट खाते हो, जैसे माउथ के अंदर लेते हो उसका चीलिंग शुरू होता है, हम टिप से उसको चबाना शुरू करते हैं। चबाते क्यों है, उसको तोड़ने के लिए, ताकि वो टुकड़ों में, वो सिंपल चीज में जाए और अच्छे से इजिली हमारे फूड पाइप में इनगल्फ हो जाए, अंदर चला जाए, स्वेलो करने को, ठीक है। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इन टू सिंपल फॉर्म। लास्ट वीडियो में भी मैंने समझाया था कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है और सिंपल क्या होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल फॉर्म। जैसे हमारे फूड आइटम में जो आप खाते हो, आप न्यूट्रिएंट्स जानते हैं फूड में, कई सारे फूड पार्टिकल आप इंग्रेडिएंट्स को खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिंस, मिनरल्स, मगर उसमें तीन चीज जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन्हीं तीन का डाइजेशन होता है। मैं इसको समझा देती हूँ एक बार। डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सिंपल फॉर्म, फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म वो फॉर्म होता है, जैसे हम जो इन्ग्रीडियंट्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जटिल होते हैं, और ये डाइजेस्ट किस फॉर्म में होंगे, अपने सिंपल फॉर्म में होंगे। थ्री मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं फूड के, जो कॉम्पोनेंट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और जिसका हमारे बॉडी में डाइजेशन सिंपल फॉर्म में होता है, उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और लिपिड। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म होता है ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा तो किस रूप में टूटेगा, ग्लूकोज के रूप में अल्टीमेटली टूटेगा। देन है प्रोटीन्स, इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर, इट विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल यूनिट नोन एज एमिनो एसिड्स। देन फैट्स और लिपिड्स, द फैटी कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, जो भी हम भोजन करते हैं उसका जो फैट या ऑयली चीज होता है, ये फैट और लिपिड, और ये किस भाग में टूटेगा, इसका सिंपल यूनिट क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये नाम आपका जानना बहुत जरूरी है कि जो हम फूड खाते हैं। अब आप क्लास 7th में आ गए हैं, धीरे धीरे आप सीनियर क्लास में जा रहे हैं, चीजों को समझना, नए नए वर्ड्स मिलेंगे, उसको जानना ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है हमारे नॉलेज को बढ़ाने में, ठीक है। तो यहाँ है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन। अगर हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो निश्चित तौर पे हमारे बॉडी में एक सिस्टम होगा, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम होगा, जिसको हम कह रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन। पहले हम ऑर्गन को समझेंगे और फिर हम सिस्टम को समझेंगे। हमारे बॉडी में ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन का नाम क्या है, जैसे हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन है, तो उसी तरह हार्ट है, लीवर है, किडनी है, वैसे ही एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, उसका नाम क्या है। द नेम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन इज एलिमेंट्री कैनल और गट। एलिमेंट्री कैनल और गट, ये फिगर में आपको साफ दिख रहा है, मैंने फिगर जो ड्रॉ किया है यहाँ पे, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। ये माउथ से लेकर एक ओपनिंग है, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्टली एनस। तो माउथ से एनस तक का जो एक लंबा चैनल है, यहाँ पे एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को कहा जा रहा है एलिमेंट्री कैनल और गट। इसी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है जिसको हम आगे चल के समझेंगे। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन हुआ। अब हम बता रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो आपका ऑर्गन था एलिमेंट्री कैनाल,
अब यहाँ क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, हमारी बॉडी में डाइजेशन काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, तो अकेले सिर्फ डाइजेस्टिव ऑर्गन में वो कंप्लीट नहीं होगा, एलिमेंट्री कैनल में नहीं कंप्लीट होगा। आप देखिए यहाँ फिगर में, यहाँ पे दिया हुआ है लीवर, यहाँ पे पैंक्रियास, और यहाँ पे हमारे बकल कैविटी से होता है जुड़ा हुआ सैलिवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ ये जो एक ट्यूब है जो माउथ से शुरू होकर खत्म हो रहा है एनस तक, उसके साथ साथ उसके एसोसिएटेड पार्ट्स होते हैं जिसका नाम, जो ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास, ये सब को मिलाकर एक सिस्टम बनता है। आप कंप्यूटर पे पढ़ाई करते हो, सिस्टम पे काम करते हो, उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसी तरह हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, उन सबको मिला के कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड, इसके साथ क्या क्या है, एंड एसोसिएटेड, इससे जुड़े हुए एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या क्या है वो, लाइक सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास। ये आपका हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम किसी प्रोसेस को समझने जा रहे हैं तो वो प्रोसेस कहाँ को होगा, किसका किसका क्या रोल होगा, जब हम फंक्शनिंग देखेंगे ईच एंड एवरी पार्ट का, तो ये सारी चीज आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है कि लीवर का क्या काम है, सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या है, पैंक्रियास का काम क्या है। ठीक है, तो ये रहा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एक लंबा ट्यूब है एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो माउथ से शुरू होकर एनस तक खत्म होता है। तो इतने लंबे ट्यूब्स में कई पार्ट्स हैं और हमें पार्ट वाइज डाइजेशन समझ में आना चाहिए। जैसे आप फूड को अंदर ले रहे हो, फूड हमारी बॉडी के अंदर गया, कहाँ गया, फर्स्टली कहाँ गया, माउथ में, यहाँ पे माउथ में शुरू होता है आपका डाइजेशन। इसी माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका बकल कैविटी। माउथ एंड होता है यहाँ, यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा एसोफेगस, हमारे गले से शुरू होता है, एक लंबी पाइप है जिसको कहते हैं एसोफेगस। आपने खाना को खाया, चबाया, निकला, चिविंग के बाद जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो वो फूड पाइप में पहुंचता है, एसोफेगस में पहुंचता है। एसोफेगस कहाँ पे खत्म हो रहा है, स्टमक में। स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, सब कुछ आप समझेंगे। स्टमक कहाँ खत्म हो रहा है, जहाँ स्टमक एंड हो रहा है, यहाँ से जो पतला पाइप निकल रहा है, ये पतला पाइप अंदर जाके ट्यूबुलर फॉर्म बन रहा है, इसको कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ देखिए एक मोटी सी दीवार दिखाई गई है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्जली वो अपर्चर एक खुल रहा है, वो क्या कहला रहा है, एनस कहला रहा है। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे हिस्सा होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे फूड का डाइजेशन स्टेप बाय स्टेप होता है। हम जो फूड खाते हैं वो कई स्टेप में उसका डाइजेशन शुरू होता है, हर पार्ट में अलग अलग तरीके से उसका डाइजेशन होता है, जिसको हम देखेंगे। तो पहले आप पार्ट्स को समझ जाइए, पार्ट्स के नाम को समझिए, फिर हम समझेंगे कि माउथ में क्या होता है, एसोफेगस में क्या हो रहा है, स्टमक में क्या हो रहा है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो पहले आपका नाम को जानना जरूरी है। तो यहाँ देखिए पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, माउथ और बकल कैविटी। जब मैं ये समझाऊंगी ना, आप इसको फिगर से रिलेट करोगे तब बेहतर समझ में आएगा। फिगर में अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे माउथ और बकल कैविटी, ये पहला है। सेकेंड है एसोफेगस और फूड पाइप, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पतला सा ट्यूब दिख रहा है, वो क्या है, एसोफेगस और फूड पाइप। थर्ड है स्टमक, फिगर में दिख रहा है, मैंने लिखा हुआ है थर्ड स्टमक। फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्जली लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। सबसे पहले माउथ और बकल कैविटी। आप खाना खाते हैं, सबसे पहले खाना कहाँ ले जाते हैं, माउथ में, ठीक है। तो उस माउथ में ही फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। माउथ में होता क्या है,
पहला जो आपको याद होगा, मैंने न्यूट्रिशन को 5 स्टेप में डिवाइड किया है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन को क्या मैंने बताया था, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, भोजन को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है, इंजेशन। तो आप कोई भी खाना खा रहे हैं, वो फूड आपके कहाँ जा रहा है, माउथ में जा रहा है। तो माउथ का पहला इंपॉर्टेंट रोल क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूं, इनटेक ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द, बार बार मैं बकल कैविटी नहीं लिख रही हूं, माउथ। ठीक है, इंजेशन, फूड का इंटेक कहां पे होता है, माउथ में, अंदर आ गया। अब उसके बाद आप शुरू क्या करते हो, उसका चेविंग शुरू करते हो। यहाँ पे रोल आ गया इंपॉर्टेंट किसका, हमारे टीथ का। यहाँ किसका रोल आ रहा है, हमारे टीथ का, ये इंपॉर्टेंट रोल में आ रहा है। टीथ क्या करता है, फूड को तोड़ता है, चीविंग करते हैं, हम कुछ भी खाते हैं तो दांतों से उसको तोड़ना शुरू करते हैं, ताकि वो सिंपल फॉर्मेट, टूटने का जो प्रोसेस है डाइजेशन, वो शुरू हो जाए। ठीक है, तो टीथ का इंपॉर्टेंट रोल है। और इसको जो प्रोसेस ऑफ चीविंग है, इसको हम मास्टिकेशन भी बोलते हैं, देखेंगे हम। विद द हेल्प ऑफ टीथ फूड गेट ब्रोकन डाउन बाय चीविंग, और इसी का एक नाम आप जानते ही, क्या बोलते हैं इसको, मास्टिकेशन। धीरे धीरे नए नए वर्ड्स आप सीखिए, जानिए क्या बोलते हैं। चीविंग को क्या कहते हैं, चीविंग को सिंपल भाषा में कहते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको मास्टिकेशन भी बोलते हैं। तो टीथ का यहाँ रोल शुरू हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। 2 सेट्स ऑफ टीथ का मतलब होता है, 2 तरह के टीथ होते हैं, जिसको अब हम ना भी बताएं तो आप अच्छे से जानते हैं इसको, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। जब बच्चा छोटा जन्म लेता है तो 6 मंथ का होता है, उसको इन्फेंट्स बोलते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 मंथ से, अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ से उनके दांत निकलने शुरू होते हैं, और जो 6 से 8 साल तक रहते हैं, इसको कहते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, क्या है, पहला है मिल्क टीथ, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ विच ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब छोटा बच्चा, जो दूध मुहा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको कहते हैं इन्फेंट्स। तो इन्फेंसी एंड फॉल एट द एज ऑफ 6 to 8 इज नोन एज मिल्क टीथ। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो इन्फेंसी में 6 मंथ में, मान लो छोटा बच्चे में शुरू होता है, बहुत छोटा बच्चा में, जो मिल्क सक करता है अपनी मदर का, उसमें शुरू होता है और 6 से 8 साल तक चलता है, उसको क्या कहते हैं हम, मिल्क टीथ बनाते हैं उसको। परमानेंट टीथ, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ विच रिप्लेसेस मिल्क टीथ एंड लास्ट थ्रू आउट लाइफ इज नोन एज परमानेंट टीथ। कुछ समय के बाद, शायद आपको अपना भी याद हो, आपके टूथ निकलते थे कुछ समय पहले तक, आप क्लास 7th में आ गए हैं, 8 ईयर्स तक जो टीथ टूटते हैं और उसके जगह पर नए टीथ आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको जो धीरे धीरे क्या होता है, सारे मिल्क टीथ गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, और उसके जगह पर एक नया सेट ऑफ टीथ आ जाता है जो पूरी उम्र रहता है। अगर मिल्क टीथ गिरता है, ध्यान दीजिएगा, तो उसकी जगह पर परमानेंट टीथ आएगा। अगर इन केस किसी वजह से परमानेंट टीथ का लॉस होता है, वहां पे कोई टीथ नहीं आता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, परमानेंट टीथ। ठीक है, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ विच रिप्लेसेस मिल्क टीथ, मिल्क टीथ को रिप्लेस करके ये आता है और पूरी लाइफ तक चलता है हमारी, उसको क्या कहते हैं, एंड लास्ट थ्रू आउट लाइफ इज नोन एज परमानेंट टीथ। 2 सेट्स ऑफ टीथ को जाने के बाद आप जानेंगे कि हमारे पास ह्यूमन बीइंग में 4 तरह के, अलग अलग तरह के दांत होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में भी अलग है और उनका फंक्शन भी अलग है, उनका संख्या, उनके नंबर्स भी अलग अलग है। उनको चारों का नाम होता है इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, इंसिजर, कैनिन, कैनाइन भी बोलते हैं इसको, प्रीमोलर एंड मोलर। पहले आप समझ जाइए, अगर आप अच्छे से हैंड वॉश कर लेते हैं इस तरह, तो वैसे भी हाथ को मुंह में नहीं डालना चाहिए, अगर अच्छे से हैंड वॉश कर लेते हैं, आपके फ्रंट में जो सबसे फ्रंट में टिक है, जैसे आप एक और चीज समझिए, यहाँ पर
आपके माउथ का बकल कैविटी का दो पार्ट होता है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अगर मुंह को आप खोलते हैं ऐसे कर खोलते हो तो ये ऊपर का जो दांत होता है ये किसमें आता है, अपर जॉ में आता है, जॉ, और नीचे का लोअर जॉ में आता है। दोनों अलग अलग है, देख रहे हैं ना, दोनों को मिला के पूरा कंप्लीट सेट ऑफ होता है। तो यहाँ इनमें बांटा गया है, जो सबसे फ्रंट में होता है, शुरुआत जिससे होती है उसको कहते हैं इंसीजर। और इंसीजर की संख्या कितनी होती है, चार। कितने नंबर होते हैं इसके, चार। इंसीजर के बगल में, ठीक इंसीजर के बगल में थोड़ा सा पॉइंटेड हल्का सा नुकीला एक टिप होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, कैनिन कह रहे हैं। इसका नंबरिंग कितना है, टू है। कैनिन के बगल में उसके ठीक पीछे क्या है, प्रीमोलर, जो थोड़े चौड़े चौड़े टिप होते हैं, ठीक है, तो चबाने का काम करते हैं। प्रीमोलर फोर और लास्टली है मोलर सिक्स। इन चारों का काम भी हम एक एक लाइन में आपको समझा देते हैं। पहले नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। अब कैसे गए हम, इंसीजर, उसके बगल में कैनिन, पीछे उसके बगल में प्रीमोलर, सबसे लास्ट में मोलर। फंक्शन ऑफ टिथ, टिथ का काम क्या है, चबाने का काम है, उसमें भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन किया गया है, इंसीजर का, कैनिन का, प्रीमोलर का, मोलर का। इंसीजर जो फ्रंट में होता है, आप एप्पल खाते हैं, किसी चीज को, फ्रूट्स को देखिए ध्यान से दीजिए, कहाँ से काटते हो आप, फ्रंट से काटते हो ना, तो ये इंसीजर का काम है कटिंग एंड बाइटिंग, किसी भी फूड आइटम को काटने में, ठीक है, उसका काम है फ्रंट में इंसीजर का। इंसीजर के बगल में कैनिन, कैनिन का काम है पियर्सिंग, भेदना, हारना। कैनिन हमसे ज्यादा कार्निवोर्स में, आप देखना लायन में, टाइगर में ज्यादा एक्टिव रोल में होता है, उनको फ्लेश को काटना, फाड़ के खाना होता है, तो उसमें ज्यादा एक्टिव रोल में है। तो कैनिन का काम क्या है, पियर्सिंग एंड टियरिंग, हारने बोलते हैं उसको। थर्ड है, इन दोनों का फंक्शन सेम है, हमारे पीछे के जो दांत होते हैं, आप फूड को, चीजों को सिंपल चीजों से रिलेट करके देखिए, आप खाना खाएं, आपने एप्पल लिया, बाइट किया इंसीजर से, उसके बाद क्या करते हो, चबाते हो उसको, अच्छे से चबाते हैं उसको, पीसते हैं, किसके मदद से, प्रीमोलर और मोलर। तो दोनों का काम एक ही होता है, प्रीमोलर एंड मोलर का, चिविंग, चबाना, अच्छे से फूड आइटम को अच्छे से मास्टिकेट करना, एंड ग्राइंडिंग का मतलब फूड पार्टिकल को अच्छे से पीसना ताकि वो निगलने के लायक हो जाए।